नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संजय भूषण पटियाला, भोजपुरी फिल्म प्रचारक। हमारे सभी देशवासियों को संजय भूषण पटियाला की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। मैं उन सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूं आज कि जो भी घर के बाहर निकल रहे हैं, प्लीज़ ना निकलें। अगर आप एक आदमी भी घर से निकलते हैं तो 1 लाख कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हमारा नम्र निवेदन है कि प्लीज़ घर से ना निकलें। जो भी ज़रूरत की सामान हो उसे घर में किसी तरह एडजस्ट करें कुछ दिनों के लिए। देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज्ञा का पालन करें, जैसा कि उन्होंने पहला लॉकडाउन दिया था 21 दिन का, जो कंप्लीट होने वाला है 1-2 दिन में। तो मैं चाहता हूं कि फिर 2 हफ्ते का लॉकडाउन उन्होंने दिया है, उसका आप लोगों को पालन करना है। अभी हर राज्य में देखा जाए तो कोरोना का स्तर बढ़ते जा रहा है, खास करके मेरा महाराष्ट्र। मैं इस वक्त मुंबई में हूँ, मुंबई में 2000 के करीब पहुँच चुका है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लड़के हैं जो घर से बाहर निकल, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई घूमने लग रहा है, कोई बाइक की सवारी कर रहा है, कोई चौपाटी घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा करें कि घर से कोई निकले ही नहीं। रही बात राशन की और सब्जी की, तो राशन आपके घर के बगल में फ़ोन करिए, गेट पे मंगाइए, बाहर नहीं निकलिए। गेट तक पुलिस भी आपके हर चीज़ को, एक नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करने पहुंचा रही है। आप उस नंबर का उपयोग करिए और सारे के सारे सामान आपके घर के पास मिल रहे हैं। तो प्लीज़ सड़क पर ना निकले, कोरोना का बढ़ावा ना दें। अगर हम कोरोना का बढ़ावा देते हैं तो ये लॉकडाउन और बढ़ सकती है। इसलिए आज कुछ दिनों के लिए आप घर में रहें। जिस तरह से बिग बॉस आप देखते हैं, 3 महीना में लोग एकदम बौखला जाते हैं अंदर घर के बैठे बैठे। लोगों को लगता है स्क्रिप्टेड कहानियां होती है, लेकिन कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं होती बिग बॉस में। वो घर की स्थिति ऐसी बना देती है। आज उस सारे जो दृश्य हैं वो आपके घर में हो रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं। उसी तरह जैसे बिग बॉस ने 3 महीना के लिए टास्क दिया था, उसी तरह समझ लीजिए कि आपका सरकार ने आपके सुरक्षा के लिए ये टास्क दिया है कुछ दिनों के लिए। आप उस वो दिन, वो रात, वो सारी चीज़ें अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता अपने पिता के साथ गुजारें। जो जहाँ फंस गया है इस वक्त, कोई मुंबई में फंसा है, कोई दिल्ली में फंसा है, कोई हरियाणा में फंसा है, कोई यूपी में फंसा है, कोई बिहार में फंसा है, कोई पंजाब में फंसा है, कोई कश्मीर में फंसा है, वो वहीं रहे और अपने साथियों के साथ ही रहे, बाहर ना निकले। जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा, धीरे धीरे सबको सरकार निकालेगी। रही बात खाने पीने की, तो उसको एडजस्ट करिए कुछ दिनों के लिए। और हम मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सरकार अपने स्तर से लगभग हर चीज़ें वो आम पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिसकी जानकारी है उन लोगों तक पहुंच रही है। तो मैं अपने खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों को कहना चाहूँगा, जो भी लोग मुंबई में, दिल्ली में फंसे हुए हैं, वो वहीं रहकर अपना समय व्यतीत करें। किसी भी तरह ये कुछ दिनों की बात है, काट लीजिए। ज़िंदगी रहेगी तो बहुत कमाएंगे हम लोग। आज मैं भी फिल्म दुनिया में हूँ, फिल्म दुनिया पूरी तरह एक तरह देखिए ठप पड़ी हुई है। काफ़ी ऐसे इंडस्ट्री के लोग हैं जिसको खाने के लिए पीने के लिए सामग्री नहीं है। हर शख्स प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, रितेश पांडे, समर सिंह, नीलकमल, ऐसे हीरोइनों में अक्षरा जी हैं, अमर पाली जी हैं, गुंजन पंत जी हैं, कईयों ने देखा मैंने बहुत लोगों को दान दिया है। घर घर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैंने भी कुछ लोगों को हेल्प किया अपने स्तर से जितना हो सकता था। और भोजपुरी क्या, बॉलीवुड हो या साउथ की इंडस्ट्री हो या पंजाबी इंडस्ट्री हो या फिर कलकत्ता की इंडस्ट्री हो, सब चीज जहाँ है वहीं से अपनी मदद अपने लोगों को कर रहे हैं। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान अपने सारे स्टाफ को अकाउंट पर पैसे डाले, सलमान खान ने डाला, अक्षय कुमार ने देश के प्रधानमंत्री के फंड में डाला, अमिताभ बच्चन ने दिया, लगभग जितने इंडस्ट्रियल है, टाटा हो, रिलायंस हो, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब ने अपने स्तर से जी जान से लगकर कोरोना को हराने के लिए दिन रात प्रयत्नशील कर रहे हैं। सिर्फ किसके लिए, आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, अपने लिए कोई नहीं कर रहा है, अपने लिए तो सबको अपनी जान प्यारी है, सबको लग रहा है कि मैं रहूँगा, हर कोई रहना चाहता है इस धरती पर। तो प्लीज़ घर से ना निकले और देश में जो चीज़ें हो रही है उसको देखें, टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी हो सकता है उसे देखें, सुने और उस पर गौर करें। फालतू के अफवाहों में न पड़े कि यूट्यूब पे हो गया, फेसबुक, बहुत सारे फालतू न्यूज़ें घूम रही हैं कि ये चीज़ करने से कोरोना हट जाएगा, ये चीज़ करने से कोरोना हट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे WHO के निर्देश है उसको पढ़ें आप और उसी के थ्रू पालन करें।
जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, आपका संजय भूषण पटियाला। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।